दोस्तों, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जिस प्रकार आपको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार फाइबर भी बेहद ही आवश्यक होता है। आमतौर पर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। दरअसल फाइबर एक अनडाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो आपके शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं होता तो इससे आपको कई गंभीर और भयंकर बीमारियां हो सकती है, कई प्रॉब्लम्स का शरीर सामना करता है। दोस्तों, जब भी शरीर में फाइबर की कमी होती है तो हमारा शरीर उसे अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइबर की कमी से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं और फाइबर की कमी किस तरह से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको हेल्दी लाइफ जीने में मदद मिल सके। सबसे पहला इशारा होता है बढ़ता वजन। शरीर में चर्बी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है खाने में ज्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये चीजें जरूरत से ज्यादा होने पर हमारे शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। और जब खाने में फाइबर की कमी होती है तो शरीर में चर्बी बढ़ने की प्रक्रिया भी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिना फाइबर वाला खाना शरीर में जाने के बाद उस खाने में मौजूद कैलोरीज पूरा का पूरा तुरंत ही एक ही बार में खून में पहुंच जाता है, और इसमें कुछ कैलोरीज हमारे द्वारा सांस लेने में, बात करने में और कोई काम करने में इस्तेमाल होता है। और अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत का काम नहीं करता तो जो भी कैलोरीज खून में बचता है तो वो फैट के रूप में शरीर के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होने लगता है, और जिससे कि व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे दिन में आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखने की वजह से हम मोटे हो जाते हैं, जबकि फाइबर वाला खाना अगर आप खाते हो तो ये शरीर में जाने के बाद कैलोरीज को कंट्रोल करके रखता है और एक बार में उतना ही कैलोरीज हमारे खून में रिलीज करता है जितना कि हमारे शरीर को जरूरत होती है। और यही वजह है कि जब भी फिटनेस या फैट लॉस की बात आती है तो उसमें हाई फाइबर फूड का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई बार किसी बीमारी, जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के वजह से भी कुछ लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। दूसरा इशारा है ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशन, जिसका मतलब है खून में शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ जाना और फिर तुरंत एकदम से कम हो जाना। जबकि कोई व्यक्ति बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो उसमें मौजूद शुगर, कार्बोहाइड्रेट और दूसरी कैलोरीज तुरंत खून में पहुंचकर ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जबकि फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करने से शरीर में धीरे धीरे ऑब्जर्व होता है और ब्लड शुगर को अचानक से इंक्रीज भी नहीं करता। और यही वजह है कि डायबिटीज वाले लोगों को डॉक्टर हाई फाइबर फूड खाने की सलाह देते हैं। खाने में मौजूद सोल्यूबल फाइबर डाइजेशन के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर खून में पहुंचकर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। इसलिए खाने में फाइबर की कमी होने से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दूसरी वजह खाने में बहुत ज्यादा तेल और फैट का इस्तेमाल करना भी है, और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करना हो सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो फाइबर को डाइट में जरूर शामिल करें। अगला इशारा है बार बार भूख लगना। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फाइबर को पचाने में शरीर को समय लगता है, जिससे आपको काफी समय तक पेट भरे होने का एहसास होता है। लेकिन अगर आपको भोजन करने में कुछ देर के बाद ही भूख का एहसास हो रहा है तो ये संकेत है कि आपके आहार में फाइबर की कमी है और अब आपको फाइबर युक्त भोजन करने की आवश्यकता है। और अगला इशारा होता है कब्ज की शिकायत। जी हाँ, खाने में फाइबर की कमी होने से इसका सबसे ज्यादा डाइजेशन पर ही बुरा असर पड़ता है और कब्ज की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। यहाँ तक कि एक ही दिन में ये लक्षण दिखने लगते हैं। समझ लो कि आज कोई व्यक्ति जाने अनजाने में बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करता है तो अगली सुबह कब्ज और पेट ठीक से साफ ना होने की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, पेट से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से स्टूल यानी कि मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो खाने में मौजूद रस और न्यूट्रिशन को हमारी छोटी आंत खींचकर उसे खून में पहुंचा देता है, और जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसे बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। और दरअसल इसी वेस्ट पदार्थ में ज्यादातर फाइबर होता है। खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से बड़ी आंत में वेस्ट पदार्थ भी ज्यादा मात्रा में जमा होता है, जिससे सुबह प्रेशर अच्छी तरह से आता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति द्वारा खाए गए खाने में फाइबर की कमी रहती है तो वो खाना छोटी आंत में पहुंचते ही उसे लगभग पूरा खींचकर खून में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उस खाने में फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से वेस्ट पदार्थ उतना बचता नहीं है।
जिसे बड़ी आंत में भेजा जाए, या फिर इतना कम वेस्ट पदार्थ बनता है जो कि बड़ी आंत में आने के बाद भी रुक जाता है और ठीक से प्रेशर नहीं बनता, जिससे कि यह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता और कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। और यही वजह से जो लोग खाने में बिना फाइबर वाले खाने का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर ही कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कई बार बहुत कम पानी पीने की वजह से भी स्टूल यानी कि मल जो है वो पूरी तरह से सूख जाता है और कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाने में फाइबर की कमी को पूरा करके सही मात्रा में पानी पीने का भी ख्याल रखा जाए तो कब्ज की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। अगला प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अगला स्किन प्रॉब्लम होता है। जी हाँ, बिना फाइबर वाला खाना लगातार खाने से खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि इंसुलिन और शरीर के हार्मोन्स पर भी बुरा असर डालता है। और यह वजह है कि जो लोग ज्यादातर बिना फाइबर वाला खाना खाते हैं उनमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि पिंपल्स की प्रॉब्लम होने के और भी वजह होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि शरीर में फाइबर की कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, फाइबर के बेस पे सभी नेचुरल खाने को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन इन चीजों के खाने के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे खाने के बारे में जानना जरूरी है जिसमें एक तो फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और दूसरा कि उसमें शुगर और फैट की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद होती है, जिससे कि यह पाचन और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैदे से बनी चीजें आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट, मिठाई और बाहर दुकानों में मिलने वाली लगभग सभी चीजों में फाइबर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सभी चीजें या तो बहुत ज्यादा तेल या तो बहुत ज्यादा चीनी से बने होते हैं, जो कि कब्ज, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पिंपल्स और कई तरह के दूसरी बीमारियों का वजह बनता है। साथ ही इन चीजों का लगातार सेवन करने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा खत्म होने लगती है और बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे पाचन क्रिया समय के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है। ये आपको मैं नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन हो सके तो अच्छी सेहत पाने के लिए इन चीजों को जहां तक हो सके कम ही इस्तेमाल करें और खासकर इसे खाली पेट इस्तेमाल करने से जरूर परहेज करें, क्योंकि इन चीजों का खाली पेट इस्तेमाल करने से ये शरीर को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब हम फाइबर के बेस पे कुछ नेचुरल फूड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में ऐसी खाने वाली चीजें आती हैं जिसमें फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जैसे कि राजमा, चना, ओट्स, ब्राउन राइस, खीरा, गाजर, चुकंदर, ब्रोकली, मटर, पालक, सभी तरह के दालें, सेब, केला और सभी तरह के फल और सब्जियों में फाइबर अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। दूसरी कैटेगरी में ऐसी खाने वाली चीजें आती हैं जिसमें फाइबर तो होता है लेकिन अक्सर ही उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, जिसके वजह से उसकी फाइबर की मात्रा में कमी आ जाती है, जैसे कि बिना छिलके वाला आलू। और रोटी बनाने में आजकल जिस तरीके मैदे की तरह महीन आटे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी फाइबर ना के बराबर होती है। बहुत से लोग आटे को छन्नी से छानकर चोकर बाहर निकाल देते हैं, यही चोकर में फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगली बार बगैर छाने चोकर वाले आटे की रोटी बनाकर खाइए। तीसरी कैटेगरी में ऐसी खाने की चीजें आती हैं जिसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता और इस कैटेगरी में सफेद चावल, गोश्त, मछली, अंडा और सभी तरह के नॉनवेज फूड आते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हमें इनमें से किसी भी खाने से परहेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका जानने की जरूरत है। इन सभी चीजों को खाने का तरीका क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पहली कैटेगरी में सभी फाइबर वाली चीजें हैं, जबकि दूसरी और तीसरी कैटेगरी में मौजूद खाने में या तो फाइबर बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है या फिर बिल्कुल होता ही नहीं है। और यही अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि खासकर जो लोग रोटी या फिर चावल के साथ मांस, मछली, अंडे या फिर ज्यादातर आलू की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में अक्सर ही फाइबर की कमी होने लगती है, क्योंकि सफेद चावल, मीट, मछली, अंडे या फिर किसी नॉनवेज में वैसे भी फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। रोटी में फाइबर की बात की जाए तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है और आलू का छिलका निकाल देने की वजह से उसमें भी फाइबर की मात्रा की बहुत ही कमी आ जाती है, जिससे कि शरीर में फाइबर की जरूरत पूरी नहीं हो पाती और ऐसे में व्यक्ति को कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए सही तरीका ये है कि जब भी आप रोटी, चावल, मीट, मछली, अंडे का सेवन करते हैं तो साथ में खीरे और गाजर जैसी चीजों को सलाद के रूप में अपने खाने में शामिल करना चाहिए, ताकि जो फाइबर रोटी, चावल, मांस, मछली और आलू से नहीं मिलता उसी कमी सब्जी और सलाद के जरिए पूरी हो जाए, क्योंकि लगभग हर सब्जी में फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है।
इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ही इतना ख्याल रखें कि जो फाइबर रिच फूड है उसको आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस खाने में फाइबर नहीं होता उसे किसी न किसी एक फाइबर वाले खाने के साथ खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर खाने को सोखने का काम करता है। इसलिए जब भी आप हाई फाइबर वाला खाना खाते हैं तो आपको दिन भर में पर्याप्त पानी जरूर पीना चाहिए, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके।